हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम रीजनिंग की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं, जिसका नेम है कोडिंग डिकोडिंग कूट लेखन कूट वाचन। और ये क्लास ई स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि DSSB, KVS और SSC का एग्जाम देना चाहते हैं। और आज मैं इस चैप्टर में आपको कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे टाइप्स क्लियर करने जा रही हूँ। सारे के सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और ऐसी ऐसी ट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे आपकी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बहुत ही ईजिली सोल्ड आउट हो जाएगा और आप बहुत ही कम टाइम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, जिसका नेम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है गाइस, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है इसके कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है, पर सबसे पहला जो टाइप्स मैं डिस्कस करने जा रही हूं वो है सीरीज बेस्ड टाइप। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूं सीरीज बेस्ड। ठीक है, आप सबको एक बात तो पता होगी कि ये जो हमारी वीडियो है ये दोनों लैंग्वेज में करवाई जाएगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, आई मीन टू से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है सीरीज बेस। सीरीज बेस में गाइस क्या होता है, जैसे कोई भी आपकी एक स्पेलिंग दी है और उस स्पेलिंग को किसी भी लेटर्स में कोड किया गया है। ठीक है, लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपके एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन ही ले लेती हूँ। हैंड का कोड IBOE है। ठीक है, हैंड का कोड IBOE है, तो सिल्क का कोड क्या होगा? सिल्क का कोड क्या होगा? ठीक है गाइस, अब आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे इजीली विद यूजिंग ऑफ ट्रिक्स सॉल्व करेंगे। बाय द वे, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि इसमें क्या है, आप सबको पता है कि हैंड से IBO बना है, दैट मींस ये +1 +1 हो रहा है। ठीक है, बट इसको, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को इजी करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले जितने भी आपके लेटर्स, आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं गाइस, 26। तो इन 26 जो लेटर्स है ना, उनकी नंबरिंग आपको पता होनी बहुत जरूरी है अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि कोडिंग डिकोडिंग का सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हो जाएं, तो उसके लिए आपको जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग पता होनी बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लेती हूं कि ये जो हैंड है इसका कोड क्या है, IBOE। तो आपको बताना है गाइस सिल्क का कोड। बाय द वे, आप सबको पता है इसका आंसर कि H के बाद आपका I आ रहा है। ठीक है, HIABNODE। ठीक है, आप सबको पता है, ऐसे ही आप इसके बीच में +1 करके आंसर कर लेंगे। लेकिन जब आगे आपका लेवल बढ़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग का लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएंगे, तो वहां पे नंबरिंग लिखनी बहुत ही जरूरी हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे नंबरिंग कैसे करनी है, उसकी क्या ट्रिक है कि हमें सारे के सारे अल्फाबेट्स हमारे दिमाग में बैठ जाए, उनकी क्या क्या नंबरिंग है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल सी स्पेलिंग है गाइस, इजोटी। ठीक है, मुझे एक बात का पता है कि कुछ बच्चों ने इजोटी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इसका यूज नहीं करना आता। ठीक है गाइस, तो इसका यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, इजोटी, आप ये तो सबको ही पता है कि ई नंबर 5 पे होता है, जे नंबर 10 पे, ओ नंबर 15, टी 20 और वाई नंबर 25। ठीक है, आप सबको पता है ये 5-5 के गैप पे है। अब इस इजोटी के बेस पे जितने भी लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास, जैसे मान लो मुझे एच का नंबर देखना है कि एच कौन से नंबर पे, कौन से प्लेस पे, मुझे पता है गाइस कि ई नंबर 5 है। ठीक है, मुझे एच का पता करना है। अब ध्यान से देखिए, ई एफ जी एच, तो कितना ऐड किया मैंने इसमें, 3 ऐड किया। तो अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 8। इसका मतलब ई एफ जी एच, तो एच कौन से प्लेस पे गाइस, 8 नंबर पे। ठीक है, अब मुझे डिस्कस करना है गाइस पी, मुझे पी का प्लेस नहीं पता, मुझे पता है कि ओ पी। ठीक है, ABCD तो सबको आती है, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो ओ पी, अगर मुझे पता है कि ओ नंबर 15 है, तो पी नंबर क्या होगा गाइस, 16 होगा। इसका मींस पी क्या है, 16। ठीक है गाइस, तो बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको एस का नंबर पता करना है, भाई एस क्या है, एस
टी, अगर आपको पता है कि मेरा टी 20 है तो एस क्या होगा गाइस, एस क्या होगा 19। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको पता होगा इजोटी से कैसे हम इजीली जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग को पता कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर की तैयारी में आप 10 मिनट बैठ के इजोटी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, सिर्फ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में आपको जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना वो सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद किया है। ठीक है, और अब मुझे इजोटी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सारे लेटर्स ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए इजोटी के स्पेस से हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जब जैसे एच है, इसका मैंने नंबर निकाला 8। ठीक है, ए का प्लेस आपको पता है नंबर 1 है। ठीक है, एम एन ओ, अब एन ओ, अगर ओ 15 है तो एन क्या होगा गाइस, 14 होगा, क्योंकि 15 मतलब ओ से पहले 14 आएगा, मतलब एन आएगा। ठीक है, उसके बाद डी नंबर 4 है। ठीक है, आई, आई का क्या है, आई जे, आई जे, तो आई क्या है, अगर जे नंबर 10 है तो आई क्या होगा 9 होगा। ठीक है, बी नंबर 2 सबको पता है, ओ नंबर 15 मुझे यहां से मिल गया, ई नंबर 5 यहां से मिल गया। बाय द वे मैं फिर से कह रही हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो, पर ये है कि जब आपके टिपिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे ना कोडिंग डिकोडिंग के, उस टाइम पे ऐसा होगा, उस टाइम पे आप नंबरिंग के बिना काम नहीं चल पाएगा आपका, आपको समझ नहीं आएगा जब हम क्रॉस में बनाएंगे। ठीक है, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि 8 से 9 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो सबके बीच में गाइस क्या हो रहा है, प्लस 1। ठीक है, उसके बाद अब मुझे पता क्या करना है, सिल्क का पोर्ट गाइस। ठीक है, तो एस, अब एस क्या है, एस टी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एस क्या होगा नंबर 19। आई क्या है, आई जे, तो आई नंबर क्या है 9। एल, एल नंबर क्या है, जे के एल, जे नंबर 10, के नंबर 11, तो एल नंबर 12। ठीक है, के नंबर 11 अभी अभी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए 19 से क्या बनेगा गाइस, प्लस 1 करके 20 बनेगा। ठीक है, 20 नंबर में क्या गाइस, टी, 9 में 1 ऐड करके क्या बनेगा 10 बनेगा, और 10 नंबर में क्या गाइस, जे, 12 में 1 ऐड करके कितना बनेगा 13, 13 नंबर पे क्या है, एम एन ओ, तो ओ नंबर 15 है, एन नंबर 14 है, ओ, तो एम क्या होगा 13। ठीक है, उसी तरीके से 11 में ऐड करेंगे कितना बनेगा 12। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा L, 12 नंबर पे क्या गाइस L, तो हमारा आंसर क्या होगा टी जे एम एल। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि बच्चों को इजोटी के बारे में पता होगा कि इजोटी नाम की स्पेलिंग होती है, लेकिन उसका यूसेज कैसे करना है ये हमें नहीं आता। ठीक है, तो इसके बीच में मैंने आपको यूसेज बताया कि किस तरीके से आप सिर्फ इजोटी से ही आप जितने भी अल्फाबेट्स उनके नंबरिंग बहुत ही इजिली काउंट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने जो स्टेटमेंट है हिंदी में लिखी है, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं हैंड इज कोडेड एज आई बी ओ ई, हैंड इज कोडेड एज आई बी ओ ई, देन व्हाट्स द कोड ऑफ सिल्क, देन व्हाट इज द कोड फॉर सिल्क। ठीक है गाइस, तो मैं हिंदी में लिख रही हूं, आपको इंग्लिश में साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स इंग्लिश में लिख दूंगी, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा मुझे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ठीक लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये फर्स्ट हमारे बिल्कुल बेसिक और डेमो क्वेश्चंस है गाइस। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको सीरीज का मीन्स तो पता चल गया होगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, इवन इवन सीरीज में चल सकती है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, और में चल सकती है, प्लस 3। ठीक है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, तो किसी भी सेंस में जा सकती है, सीरीज से मतलब है। ठीक है, तो ये सीरीज में मतलब सीरीज चलेगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ। प्रमोद का कोड SODJRA है। ठीक है, तो केशव का कोड क्या होगा।
ठीक है, आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं गाइस, प्रमोद इज कोडेड एज SODJRA, प्रमोद इज कोडेड एज SODJRA, देन व्हाट इज द कोड फॉर केशव, देन व्हाट इज द कोड फॉर केशव। ठीक है गाइस, अब देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने छोटे छोटे सी चीजें आपको बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने लिखा प्रमोद, ठीक है, इसका कोड है SODJRA, आपको कोड बताना है बच्चे केशव का, ठीक है, आपको केशव का कोड बताना है। आप ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात मैं आपको, आपने ये देख लिया अच्छे से कि इजोटी से किस तरीके से जितने भी लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग पता की जा सकती है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्ट इसके नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 10 मिनट्स में इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब मैं इसके नंबरिंग लिख रही हूँ, पी नंबर 16 है, आर नंबर 18 है, A1 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 4 है, ठीक है, आप चाहो तो इनकी नंबरिंग यहां से काउंट कर सकते हो, आपके सामने स्पेलिंग दी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है गाइस, ये 19 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 10 है, 18 है एंड 1 है, ठीक है गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूं विदाउट एनी नंबरिंग तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पता है प्रॉब्लम कहां पे होती है, एक जगह हम प्लस करते हैं दूसरी जगह माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे एक जगह प्लस 3 हो रहा है दूसरी जगह माइनस 3 हो रहा है उसके बाद प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, जब हम पीछे लेटर्स पे जाते हैं ना तो हमसे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, और अगर हम नंबरिंग में पीछे जाएंगे तो ईजी रहेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि लेटर्स में पीछे जाना ईजी है या नंबरिंग में, ठीक है, मेरे हिसाब से नंबरिंग में जाना ज़्यादा ईजी है, ओके। अब देखिए अगर हमें क्वेश्चन को ईजी बनाना है तो 16 से 19 जा रहा है प्लस 3 हो रहा है, 18 से 15 जा रहा है माइनस 3 हो रहा है, 1 से 4 जा रहा है प्लस 3 हो रहा है, 13 से 10 जा रहा है माइनस 3 हो रहा है, 15 से 18 जा रहा है प्लस 3 हो रहा है, 4 से 1 जा रहा है तो माइनस 3 हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये देखिए कि प्लस 3 माइनस 3 सीरीज ऐसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि प्लस 3 की सीरीज होती है माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 हो सकती है, +3 -2 की हो सकती है, कोई भी सीरीज हो सकती है, ठीक है, बस ये कि वो सीरीज लॉजिकल होनी चाहिए, अपने आप ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते आप, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये +3 -3 ये सारी मैंने सीरीज बना दी, अब मैं इसकी भी नंबरिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए ये 11 है, ये 5 है, 19 है, 8 है, 1 है और 22 है, ठीक है, ये इसके सबके नंबर्स हैं। अब देखिए मुझे पता है कि पहले प्लस 3 हो रहा है तो 11 में 3 ऐड करके 14 बना लूंगी और 14 नंबर पे क्या है गाइस n, ठीक है, 5 में 3 घटा दूंगी, जो यहाँ पे सीक्वेंस अप्लाई किया है वही सीक्वेंस हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो 5 में से 3 घटा के क्या आएगा 2 आएगा, दूसरे नंबर पे क्या गाइस b, उसके बाद 19 में से 3 घटाऊंगी, ठीक है, 19 में से 3 गया 16 होगा, ठीक है, तो 16 नंबर पे क्या है गाइस पी, आई एम सॉरी प्लस 3 करेंगे, ठीक है प्लस 3, तो 19 में 3 ऐड करके कितना आएगा गाइस 22 आएगा, 22 नंबर पे क्या है गाइस वी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करूंगी मैं -3 तो 8 में से 3 गया कितना होगा गाइस 5 होगा, तो 5वें नंबर पे क्या है ई, उसके बाद नेक्स्ट में करूंगी +3 तो 1 में 3 ऐड करूंगी कितना आएगा 4, तो नेक्स्ट क्या आएगा डी, उसके बाद 22 है, 22 में से 3 घटाऊंगी कितना आएगा गाइस 19, ठीक है, तो 19 नंबर पे क्या है एस, एन बी वी ई डी एस, ये आपका है आंसर, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा एन बी वी ई डी एस, ठीक है। अब ये देखिए क्या मुझे इतना सब सोल्व करने की जरूरत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमें इसको सारा सोल्व नहीं करना, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आप सबको, आप सबने जब ये सोल्व किया, देखिए मैं यहाँ तक एक बाउंड्री लगा रही हूँ यहाँ तक, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ तक बाउंड्री लगाऊँ मुझे पता चल रहा है इस क्वेश्चन में +3 -3 की सीरीज अप्लाई हो रही है, ठीक है,
मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट देख सकती हूँ, मुझे चार ऑप्शन मिले होंगे, मुझे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि भाई प्लस थ्री यहाँ पे आया है, नेक्स्ट माइनस थ्री है, प्लस थ्री, मैं थोड़ा सा आगे से आइडिया ले लूँगी और क्वेश्चन पे और ऑप्शन पे टिक कर दूंगी, मुझे सारा क्वेश्चन सोल्व करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, जिसको क्लियर नहीं हुई ये बात मैं आपको विद एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ये मैं इजोटी अभी रफ कर रही हूँ, आपको मैं ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, मान लो आपको पेपर में ये क्वेश्चन मिला, आपके पास बच्चे चार ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, पहला तो मैं यही लिख देती हूँ, एन बी वी ई डी एस। ठीक है, ये आपका सबसे पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद है एन बी वी, ठीक है, उसके बाद मैं लिख देती हूँ एस डी के, कुछ भी लिख देती हूँ लाइक ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिख दिया एन बी वी, ठीक है, टी वाई एस लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने लिख दिया एन टी के जे एल एच, कुछ भी लिख दिया। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ, क्यू लिख लो। ठीक है, ये सही रहेगा। ओके, अब ध्यान से सुनना जो बात मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। हमें हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है। देखिए, हमें यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मुझे सीरीज पता चल गई इस क्वेश्चन में कौन सी सीरीज अप्लाई हो रही है, और जब मैंने इस वाले क्वेश्चन में देखा, मैं चाहती हूँ कि मैं सारी की सारी सीरीज को अप्लाई ना करूँ, थोड़े से हिंट से ही मुझे पता चल जाए कि आंसर क्या है। देखिए, मैंने जब यहाँ पे सॉल्व किया प्लस थ्री करके, मेरे पास क्या आया, एन। अब मैं ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे देखूंगी कि मुझे एन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। भाई मुझे तो एन सभी में मिल रहा है, मुझे तो एन सभी में मिल रहा है, इसका मतलब कि ये वाला तो मेरा ऐसे ही फेल गया ना, क्योंकि मुझे तो पता है सबके बीच में एन आ रहा है। ठीक है, मुझे सब में एन मिल रहा है। उसके बाद क्या मुझे जरूरत है कि मैं बी को सोल्व करूं, क्या मुझे ज़रूरत है कि मैं इस वाली चीज़ को भी सोल्व करूं, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि जो हाईएस्ट रेंज जो जा रही है वो बी की जा रही है, इसका मतलब मेरा आगे टी नहीं आने वाला, मेरा बी आने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक बात अच्छे से बताना चाह रही हूँ, मैं 100% नहीं कह रही, मैं 99.99% कह रही हूँ कि एग्जामिनर इस तरीके के ऑप्शन बनाता है, जिस भी लेटर की रेंज ज़्यादा जाती है उसके बीच में ही आंसर होता है। कैसे, देखिए एन तो सब में आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे बी की रेंज ज़्यादा जा रही है, तो बी वाला आंसर होगा, टी वाला नहीं होगा। आप इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं फोर्थ नंबर के ऑप्शन को। ठीक है, उसके बाद किसकी रेंज ज़्यादा जा रही है, भाई उसके बाद वी की रेंज ज़्यादा जा रही है, तो मैं क्यू वाले ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर सकती हूँ, चाहे उसके आगे एन और बी लगाए। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब इसके बीच में ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस तो मैं ऐसे एलिमिनेट कर सकती हूँ। मैं अभी भी 100% नहीं कह रही, मैं 99.99% कह रही हूँ कि ऐसा होता है कि एग्जामिनर मोस्ट ऑफ ऐसे ऑप्शंस देता है जिनकी, जिन लेटर्स की रेंज ज़्यादा जाती है, आंसर उसमें होता है। ठीक है, पहले आपने चार में चेक किया तो तीन वाले सिलेक्ट हुए, फिर अब जब आपने तीन में सिलेक्ट हुआ तो दो वाले सिलेक्ट हुए, तीन में देखा तो। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए भाई एन बी है, नेक्स्ट मुझे बी दिख रहा है, भी मैं मुझे बी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं बी को छोड़ दूँ। ठीक है, बाय द वे आप करोगे भी तो बी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने किया प्लस थ्री, प्लस थ्री आपने किया तो आपको क्या मिला गाइस, वी मिला। भाई इसको तो मैं ऐसे ही रफ कर दूँ क्योंकि मुझे बी तो मिला ही नहीं, ये भी नहीं मिल रहा क्योंकि थर्ड में मुझे वी मिल रहा है, समझे। अब ये देखिए बच्चे, आपने एन बी वी कर लिया, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताएं, जब मुझे ये पता चल चुका है कि एन बी वी है, ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, यहाँ पे ई डी एस लिखा है, यहाँ पे एस डी के लिखा है, इसका मतलब मान लो अगर मैं एक ही अक्षर एक ही लेटर और पता कर लूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो लास्ट वाला कर लो या यही वाला एक कर लो। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ बच्चे पूरा पूरा सोल्व करते हैं तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ऐसे ऐसे ऑप्शंस बनाता है जिससे आप भी ट्रिक लगा के क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। ठीक है, आई मीन आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है,
तो बच्चे एन बी वी तक कर लिया, या तो आप लास्ट वाला देख लो भाई, लास्ट मुझे पता है मैंने प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री किया था, वो मेरे दिमाग में आया यहाँ पे माइनस प्लस, फिर लास्ट में तो माइनस वाला होना था, हाँ फिर मैंने वी में से तीन को माइनस किया, 19 आ गया भाई, मुझे पता चल गया मेरा तो पीछे 19 आने, के तो आना नहीं, मैंने ऐसे आंसर दे दिया, मुझे पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो आप एन को भी सोल्व ना करो, क्योंकि अगर आप एन सोल्व कर भी लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता है कि मेरा सारे ऑप्शंस में एन तो आ ही रहा है, ठीक है सारे ऑप्शंस में मुझे एन तो मिल ही रहा है, तो अगर मैं इसको सोल्व ना करूँ इसके अपना टाइम बचा लूँ, क्योंकि एक एक सेकंड हमारा बहुत कीमती है पेपर में, ठीक है अगर मैं इसमें टाइम बचा लूँ तो क्या जाता है, ठीक है भाई एन अगर मैं टाइम बचा लूँगी, एन ने तो आना है, आना तो है ही चाहे मैं सोल्व करूँ या ना करूँ, ठीक है सभी ऑप्शंस में, ठीक है तो ये ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं, मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। अब और कौन से ऑप्शन होते हैं जो एग्जामिनर दे सकता है एग्जाम में, ध्यान से देखिए, एक तो इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं गाइस, अब और कौन से तरीके के ऑप्शंस होते हैं जो एग्जामिनर पेपर में आपसे पूछ सकता है, अब ये जो ऑप्शंस आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, आप कहोगे कि भगवान ऐसे ऑप्शंस ही दे दो हमें, ठीक है देखिए, क्यू जे एन टी एस पी ए पी एस टी के एल कुछ भी लिख लो आप, ठीक है एस टी पी क्यू ए पी कुछ भी लिख लो, ठीक है ये मैंने लिख दिया, ओके अब आपने आंसर करना है बच्चे, ठीक है आपको पता है कि मेरा ये जो सीरीज बन रही है मेरी, इसके बीच में पहले मेरे यहाँ क्या हो रहा है प्लस थ्री, दूसरा क्या हो रहा है माइनस थ्री, तीसरा क्या हो रहा है प्लस थ्री, रुक जाइए समझे, रुक जाइए, उसके आगे आपको पता है कि मेरे प्लस थ्री करना है, ठीक है अब ये देखिए ध्यान से, जब मैंने इसको प्लस थ्री कर लिया माइनस थ्री कर लिया, मुझे पता है भाई सबसे पहले मुझे क्या करना है प्लस थ्री, मैंने जब यहाँ पे प्लस थ्री किया मेरा क्या निकला बताएं, एन निकला। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं कुछ की बात कर रही हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे पूरा सॉल्व करेंगे फिर भी, भाई आपको पता है कि आपके आंसर में सबसे पहले एन आ रहा है बच्चे, तो अगर आपको पता चल ही गया है तो आप इसको ऐसे ही क्लिक कर दो ना, आपका पहला एन आ गया बस, अगर एन में और कोई ऑप्शन होता जैसे पहले था फिर मैं चेक करती कि उसके आगे क्या हो सकता है, अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ पहले एन आ ही चुका है तो बस एन वाला आंसर टिक कीजिए, आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है क्योंकि आपको पता है आपका सबसे पहले पहले एन आ रहा है। प्रॉब्लम तब होती है बच्चे जब आपके यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया होता है, नन ऑफ दीज का मीन्स होता है इनमें से कोई नहीं, जब आपके सामने ये ऑप्शन दिया होता है ना फिर आप इसको टिक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि एन बी वी तक तो बन रहा हो आगे ना बन रहा हो, ठीक है उस बेस पे आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन फिर आगे करना पड़ेगा। अगर आपके पास चार ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो आपका पहला ऑप्शन से क्लिक हो जाएगा कि पहले एन ही आ रहा है तो और ऑप्शन देखने की जरूरत ही क्या है, एन वाला लगा दो। अगर नन ऑफ दीज आ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि एन तो आपका निकल के आ रहा है, हो सकता है बाकी की आगे स्पेलिंग ना हो, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, एक जो पहले बताया और एक ये बताया, ठीक है इससे ऊपर कुछ नहीं है, आपके सीरीज बेस में बहुत ही आसान वाला टाइप है ये, ठीक है आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चे आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है सीरीज का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अगर आपकी डिमांड हो तो, देखिए ध्यान से, क्लब का कोड एफ के टी ई है, एफ के टी ई है, ठीक है तो आपको बताना है, तो उसके बाद लिखा है देन का कोड बच्चे डब्ल्यू जी डी क्यू है, इंग्लिश में लिखना आप लिख सकते हो, क्लब इज कोडेड एज एफ के टी ई, then is coded as WGDQ, ठीक है
तो एरिड का कोड क्या है? ठीक है, देन व्हाट इज द कोड फॉर एरिड? देन व्हाट इज द कोड फॉर एरिड? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारी टाइप की कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगी कि पहचान कैसे होती है, कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके से पहचान होती है कि कौन सी सीरीज वाली और कौन सी और है, जो मैं आके टाइप्स कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए क्लब का कोड क्या है बच्चे, क्लब का कोड है FKTE। ठीक है, ये नंबर 3 है आपका, ये नंबर 12 है, ये नंबर 21 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 6 है, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसमें सीरीज क्या बन रही है, प्लस 3, ठीक है, माइनस 1, माइनस 1, प्लस 3। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मैम क्या ये सीरीज है? बिल्कुल सीरीज है, ध्यान से देखिए बच्चे, देखिए यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, मतलब फिर आगे ये सीरीज चलेगी माइनस 1 माइनस 1 फिर प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये देन है, देन है, देन का कोड है WGDQ। ठीक है, तो ये 20 जा रहा है, ये 8 जा रहा है, 5 जा रहा है, 14 जा रहा है, ये 23 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 70 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या जा रहा है, इसमें भी सेम जा रहा है, प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3, बस सेम एज इट इज, हम वो वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोड किसका बताना है बच्चे, एरिड का। ठीक है, तो ये नंबर 1 है, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 4। ठीक है, तो इसके बीच में मैं प्लस 3 करूंगी, मुझे क्या मिलेगा, डी, नंबर 4 पे डी मिलेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे माइनस 1 करूंगी तो क्या मिलेगा, 17। तो 17 में गाइस क्या आएगा, 17 नंबर पे पी क्यू, ठीक है, तो क्यू आएगा। उसके बाद 9 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 नंबर पे क्या आएगा गाइस, एच आएगा, और 4 में 3 ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 7, 7 नंबर पे क्या आएगा गाइस, जी आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सीरीज का क्वेश्चन, आई होप आपको सबको अच्छे से बहुत ही क्लियर होगा कि सीरीज के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप था सीरीज बेस्ड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। अब अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, और मैंने आप सबको पहले टाइप्स नहीं लिखवाए सभी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि टाइप्स लिखवाने से अच्छा है एक एक करके आपको सारे टाइप समझा दो। ठीक है, चलो बच्चे ध्यान से सुनिए, हमारा नेक्स्ट टाइप है पोजीशन चेंज बेस्ड। ठीक है, पोजीशन चेंज बेस, ठीक है, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज में क्या है, स्थान का परिवर्तित होना। ठीक है, अब ये किस तरीके से, आइए क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देने जा रही हूं बच्चे, लिखिए बेंगल, बेंगल का कोड, बेंगल इज कोडेड एज, इंग्लिश में लिख सकते हैं LEGNBA है। ठीक है, बेंगल का कोड है LEGNBA। ठीक है, उसके बाद लिखा है तो ब्लेड्स का कोड क्या होगा? ठीक है बच्चे, तो ब्लेड्स का कोड क्या होगा ये हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखिए पोजीशन चेंज में क्या है, मैं आपको नीचे लिख के बता रही हूं, बेंगल का कोड हमारे पास लिखा है LEGNBA। ठीक है, कोड आपको बताना है ब्लेड्स BLADES। ठीक है, आपको बताना है बच्चे ब्लेड्स का कोड। ठीक है, अब ये बताएं पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जैसे मैंने लिखा हैंड को IBOE में कोड किया जाता है,
ऊपर कुछ और थे लेटर्स, नीचे कुछ और थे, इसी वजह से मैंने क्या किया था बच्चे, प्लस वन माइनस वन करके देखा था कि क्या जाएगा, ठीक है, सीरीज बन रही थी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लेटर्स ऊपर हैं वही सेम लेटर्स नीचे रिपीट हो रहे हैं, बट उनकी पोजीशन चेंज हो गई, उनका स्थान परिवर्तित हो गया है। ठीक है बच्चे, आई होप आप अच्छे से बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्थान कैसे परिवर्तित हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जो बीच बीच में से लिखा हुआ आता है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग लिखिए। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये जो नंबरिंग मैंने लिखी है ये इन लेटर्स के नंबर नहीं है। आप सबको पता है कि B 2 नंबर पे है, A 1 नंबर पे, N 14 पे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जस्ट सीरीज बताई है। ठीक है, अगर मैं इन लेटर्स के ऐसे नंबर लिख दूं, अब नीचे क्या होगा, नीचे देखिए एल ई जी एन बी ए लिखे, तो एल क्या नंबर 5 आया, उसके बाद नंबर 6 आया, ठीक है, फिर नंबर 4 आया, फिर नंबर 2 आया है, फिर नंबर 1 आया है, और फिर नंबर 2 आया है। ठीक है, देखिए एल नंबर 5 आ गया, ठीक है, ई नंबर 6 आ गया, जी नंबर 4 आ गया, एन नंबर 3 आ गया, बी नंबर 1 आ गया, और ए नंबर 2 आ गया बच्चे। ठीक है, अब जो सीरीज हमने यहां पे अप्लाई की है वही सीरीज आप यहां पे अप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6। भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेरा क्या आया, नंबर 5, तो मैंने नंबर 5 लिख दिया, उसके बाद मेरा नंबर 6 आया, तो नंबर 6 पे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एस है, ठीक है, उसके बाद मेरा नंबर 4 आया, और नंबर 4 पे यहाँ पे क्या है बच्चे, डी है, उसके बाद मेरा नंबर 3 आया, और नंबर 3 पे बच्चे क्या है, ए है, ठीक है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन आया, उसके बाद आया बच्चे मेरा ऑप्शन, उसके बाद मेरा आया है नंबर 1 पे, ठीक है, और नंबर 1 पे मेरा क्या है बच्चे, बी आया है, उसके बाद दूसरा कौन सा है बच्चे, उसके बाद नंबर 2 वाला आया है, तो 2 वाला कौन सा है बच्चे, एल, ठीक है, तो ये आ गया नंबर 2 पे, तो इसका आंसर क्या है, ई एस डी ए बी ए बी एल। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चे, अब देखिए इस क्वेश्चन को, मतलब जो मैंने सीरीज यहाँ पे अप्लाई की वही सीरीज हम यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, डी ई एस डी ए बी एल। ठीक है, 5 6 4 3 1 2। ठीक है बच्चे, अब एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है कि आप इसको पेयर की फॉर्म में बना लो। कैसे, देखिए ये बी ए है, मुझे ये बी ए पीछे मिल रहा है, ऐसे ये एन जी है तो इसका जी एन मुझे क्रॉस में मिल रहा है, उसी तरीके से एल ई है तो ये एल ई मुझे आगे मिल रहा है, उसी तरीके से बच्चे बी एल है तो ये बी एल मुझे पीछे मिल रहा है, ई एस है ई एस मुझे आगे मिल रहा है, ए डी डी ए क्रॉस में मिल रहा है। दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, जो मुझे लगता है कि आप अगर इजीली सीखना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6 करके कर लो, अदरवाइज आप पेयर फॉर्म में भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में देखिए इजोटी की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इजोटी की कोई भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बिना इजोटी के सिर्फ पोजीशन चेंज करना है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बात ही क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग के फ्री के नंबर, बाय द वे आपको सारे क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ईजी है, सारे ईजी तरीके से कराए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी पोजीशन चेंज वाला क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रही हूं, मदर का कोड, एम ओ टी एच ई आर। ठीक है, जो मदर का कोड है बच्चे वो लिखा है ओ एम एच टी आर ई, ओ एम एच टी आर ई, तो आपको बताना है बच्चे फादर का कोड, फादर का कोड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताना है आपको। ठीक है, देखिए
जो मदर है उसका कोड है ओ एम एच टी आर ई। अब इसको सॉल्व करने के बच्चे वही दोनों के दोनों तरीके हैं, जैसा एक मैंने आपको दो तरीके पहले बताए हैं। देखिए फादर है, फादर का कोड क्या है बच्चे, फादर का कोड आपको निकालना है। ठीक है, देखिए या तो आप 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए। ठीक है, अब 1 2 में क्या है भाई, 2 1 बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है, इसमें 4 3 बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है बच्चे, 6 5 बन रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, पेयर लॉजिक। आप पेयर में भी कर सकते हैं, देखिए पेयर क्रॉस वाला पेयर बन रहा है इसके बीच में, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके बीच में क्या बन रहा है बच्चे, ए एफ बन रहा है, इसमें एच टी बन रहा है, और इसमें क्या बन रहा है बच्चे, आर ई, मतलब 2 1 4 3 6 5। तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पोजीशन चेंज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मदर इज कोडेड एज ओ एम एच टी आर ई एंड फादर इज कोडेड एज व्हाट। ओके, चलिए अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराने जा रही हूं बच्चे। जो है ऑपोजिट लेटर बेस्ड, ऑपोजिट लेटर बेस्ड। अब ऑपोजिट लेटर बेस्ड में बच्चे कैसे करेंगे, देखिए एन एग्जांपल क्वेश्चन लिखिए। देखिए किंग का कोड पी आर एम टी है, तो रेन का कोड क्या होगा, रेन का कोड क्या होगा। ठीक है बच्चे, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करोगे। देखिए किंग लिखा है, इसका कोड है पी आर एम टी, और आपको बताने बच्चे रेन का कोड। ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करनी है मुझे। ठीक है, ये नंबर 11 है, नंबर 9 14 7, ये नंबर 16 18 13 20, ये क्या है 18 है, 1 है, 9 है बच्चे, 14 है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये करना है। अब बाय द वे देखिए इसके बीच में कोई सीरीज भी बन रही होगी शायद, अगर आपको लग रहा हो, देखिए यहाँ पे सीरीज भी बन रही होगी। ठीक है, लेकिन जो अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, मैं ये कह रही हूं कि ऑप्शंस को देखिएगा। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो ना कि सीरीज वाला क्वेश्चन कौन सा है और अपोजिट लेटर वाला कौन सा है, तो आपको ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है कि ऑप्शन में मेरी इसी वाली लेटर्स का जो ऑप्शन है वो सीरीज वाले बन रहे हैं या अपोजिट लेटर वाले बन रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है वो एक टाइप का ऑप्शन देगा, या अपोजिट लेटर वाला या सीरीज बेस्ड वाला बच्चे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, बाकी पोजिशन चेंज तो आपको समझ में आ गया, जो वो ये वाले लेटर्स है वो नीचे सेम रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब स्थान परिवर्तित तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब ये अपोजिट लेटर है ये कैसे पता करेंगे, जब दो लेटर्स का टोटल 27 होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, दूसरे के विपरीत ऑपोजिट होते हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान से, ठीक है, देखिए जैसे ए है, ए का ऑपोजिट क्या है बच्चे, जेड, ए नंबर 1 है, जेड नंबर 26 है, तो जिन भी लेटर्स का टोटल 27 होगा, 1 और 26 27, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट्स होंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे K है, इसका ऑपोजिट P है बच्चे, कैसे, देखिए इनका सम 27 है, हाँ जी बिल्कुल है, ये ऑपोजिट लेटर्स हैं। उसी तरीके से ये 9 है, ठीक है, और ये 18 है, क्या इनका सम 27 है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑपोजिट लेटर्स हैं। ठीक है, 14 और 13 एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर है, क्योंकि सम 27 है। जी का ऑपोजिट टी है, सम क्या है, 27 है। जरूरी नहीं है ऑपोजिट लेटर के जो टोटल 27 है क्रॉस में भी बन जाता है कई बार। ठीक है, बस ये कि आपको ध्यान में देखना होगा, क्रॉस वाले क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे मेरे अपोजिट्स बने हैं, सीधी सी बात है, सम कितना होना चाहिए, 27,
तो इसका मतलब R का अपोजिट क्या लिखूंगी मैं, I लिखूंगी नंबर 9, क्योंकि 18 और 9 कितने होते हैं बच्चे, 27 होते हैं, ठीक है। उसके बाद A का अपोजिट क्या है बच्चे, 26 मतलब Z होता है, ठीक है। और I का अपोजिट क्या है बच्चे, 18 लिख लीजिए, R आएगा, ठीक है। और N का अपोजिट क्या होगा बच्चे, M होगा, I Z R M। बाय द वे देखा जाए तो आप सीरीज के बेस पे भी इसका आंसर दे सकते हैं, पर ऑप्शन ऑप्शन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया, जरूरी नहीं कि सारे ही ऑप्शन एक जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो सीरीज बेस्ड और अपोजिट लेटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके ऑप्शन थोड़े थोड़े सेम भी होते हैं, आपको आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये सीरीज का क्वेश्चन है या अपोजिट लेटर का, ठीक है। बाय द वे अगर इसका ऑप्शन में आई जेड आर एम दिया होगा या सीरीज वाला आंसर दिया होगा, तो आई जेड आर एम इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में अकेला आंसर आई जेड आर एम दिया है, ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हो अगर आपके आपके सामने इसका कुछ बन रहा है, ठीक है। नहीं बन रहा, इट्स ओके, छोड़ दो, ठीक है। मैंने इसको चेक भी नहीं किया कि ये सीरीज से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। आई मीन टू से मैं ये बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन होता है, कई बार वो सीरीज से भी बनता है और अपोजिट लेटर से भी बनता है, तो आपको वह डिफ्रेंशिएट करने की आंसर किससे डिसाइड होगा, वो आपको ऑप्शंस बताएंगे कि आपका आंसर किससे डिसाइड होगा। और एग्जामिनर हमेशा एक टाइप का ऑप्शन देगा, या सीरीज वाला देगा या अपोजिट लेटर वाला, अगर दोनों देगा तो उसको भी पता है कि बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही आंसर देगा, तो आपको एक आंसर करना। वैदा भी आपको पता चल गया अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, जिनका सम टोटल 27 होता है, ठीक है। जो भी दो लेटर्स होते हैं उनका टोटल 27 होता है बच्चे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है। ये भी अपोजिट लेटर का क्वेश्चन है, ताकि आपको अपोजिट लेटर का कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो ध्यान से लिख लीजिए। सीट का जो कोड है वो है HVZG, ठीक है। तो आपको बताना है वाटर का कोड बच्चे, वाटर का कोड, ठीक है। अब ये देखिए जो सीट है, थोड़ा सा फास्ट लिख देती हूँ मैं, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं स्लो चल रही हूँ, ठीक है। वाटर का कोड क्या है बच्चे, सबसे पहले आप इनकी क्या करेंगे बच्चे, नंबरिंग 19, 5, 1, 20, ये है नंबर 8, ठीक है। ये नंबर 22, 26, 27। अब आप सबको पता है इन लेटर्स का टोटल कितना बन रहा है, 19 और 8, 27, 5 और 22, 27, 1 और 26, 27, 20 और 7, 27, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स, विपरीत शब्द, ठीक है। अब ये 23 है, भाई 23 में कितना जोड़े के 27 आगे, भाई 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 4 जोड़ दें, 4 नंबर भी क्या है बच्चे, डी, ठीक है। ए का अपोजिट क्या है, जेड, ठीक है। अब ये नंबर 20 है, जी का अपोजिट क्या है बच्चे, टी, ठीक है। ई का अपोजिट क्या है बच्चे, वी। 18 का अपोजिट क्या है बच्चे, 9 जोड़ के, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए। आर का अपोजिट, आर का अपोजिट, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी जेड। और ई का अपोजिट क्या है बच्चे, वी। आर का अपोजिट क्या है बच्चे, आई, नंबर 9 पे, ठीक है बच्चे, तो आपका ये आंसर होगा, ओके। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे बच्चे। टाइप्स तो बच्चे बहुत सारे हैं, पर हम कुछ टाइप्स के बारे में जो पहले तो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर सारे ही करने वाले हैं आज आप, ठीक है। चलिए उसके बाद जो मैं नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रही हूं बच्चे, वो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं ENTROD, एंट्रोड, एंट्रोड का कोड, एंट्रोड इज कोडेड एज, लिख सकते हैं 616
23, 222, ओके, 0, 10 है, ठीक है, 0, 10 है, तो आपको कोड बताना है बच्चे ब्रॉडिन का, ब्रॉडिन का कोड क्या होगा, ठीक है, इंग्लिश की स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो एंट्रोड का कोड ये सब है, तो ब्रॉडिन का कोड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि मैम क्या ये जितने भी इनकी जो प्लेसिंग, इनकी जो प्लेस नंबर हैं, जैसे E5 है, N14 है, क्या इनको ऐड करके ये सब आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता भाई, ये तो 5-10 नंबर हैं, क्या इनको नंबर को ऐड करके आप ये लिख सकते हो? कई बच्चे कहते हैं ये तो फोन नंबर है, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके सामने नंबरिंग आ जाए तो क्या करना है, मुझे एक बात बताएं, क्या लेटर से नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। लेटर्स से नंबर तो तभी आएंगे ना जब लेटर्स के अपने नंबर होंगे, तो लेटर्स के अपने नंबर तो हैं, ये नंबर 5 है, ये नंबर 14 है, नंबर 20 है, नंबर 18, नंबर 15, नंबर 4 है बच्चे, ठीक है। अब इससे हमें बनाना क्या है, ध्यान से देखिए, 6, 16, 23, 22, 20 और 10, ठीक है। अब ये जो इकट्ठा नंबर होता है ना, ये ऐसे होता है, ओके, अब 5 से बन रहा 6 बन रहा है, ठीक है, 14 + 2 = 16, ये +3 हो रहा है, ये +4 हो रहा है, ये +5 हो रहा है, +6 हो रहा है। आपकी रीजनिंग को आज हम बहुत ही मस्त बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो आपको बनाना है बच्चे ब्रॉडिन का कोड, तो ये नंबर 2 है, नंबर 18 है, नंबर 15 है, नंबर 4 है, नंबर 9, नंबर 14 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में सीरीज को अप्लाई करना है, तो इसमें 1 बनाएंगे तो 3 आएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे सी लिख देते हैं, यहाँ पे टी लिख देते हैं, यहाँ पे आर लिख देते हैं। बच्चे अगर आपकी कोडिंग लेटर से नंबरिंग में हो रही है तो आपको आंसर भी तो नंबरिंग में देना है, ओके, तो आपको आंसर किस में देना है, नंबरिंग में। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, एग्जामिनर क्या करेगा, एक ऑप्शन दे देगा 3, 20, 18, 8 वाला, और एक ऑप्शन दे देगा CTRH ऐसा ऑप्शन, ठीक है। अब आप खुद देखिए, अगर हमने अपने लेटर्स की कोडिंग नंबरिंग में की है तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए बच्चे, हमारा आंसर भी तो नंबरिंग में होना चाहिए, ठीक है बच्चे। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल का, ठीक है, और इस बार मैं पूरी स्टेटमेंट ना लिख के आपको यहीं पे ही समझा देती हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, चलिए देखिए बच्चे, पी के आर ओ के, पी के आर ओ के, इसका कोड है बच्चे 72962, समझे, ठीक है। अब आपको कोड किसका बताना है बच्चे, कोड आपको बताना है के डबल आर पी के, के डबल आर पी के, इसका कोड आपको बताना है, ठीक है। अब ये देखिए ये नंबर कहाँ से आया, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम स्क्वेयर आ रहा है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम क्यूब आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आएगा कहाँ से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात वही बात कि लेटर से नंबर कब बनता है, जब लेटर्स का अपना एक नंबर होता है। ये नंबर 16 है, नंबर 11 है, नंबर 18 है, नंबर 15 है, और ये नंबर 11 है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 कैसे बना, अब ये देखिए कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मैम ये तो सीरीज बन रही है, ये 9 9 वाली कोई सीरीज बन रही है, ठीक है, 9 9 वाली सीरीज भी बन सकती है, आई होप, ठीक है। अब इसमें से देखिए 9 9 9 बन रहा है, लेस हो रहा है लाइक, ठीक है। दूसरा तरीका ये है बच्चे जो मुझे आंखों के सामने दिख रहा है, 1 और 6 को ऐड कर देंगे तो 7 आएगा,
ठीक है। उसी तरीके से वन और वन को ऐड कर देंगे तो टू आएगा, वन और एट को ऐड कर देंगे तो नाइन आएगा, वन और फाइव को ऐड कर देंगे तो सिक्स आएगा, वन और वन को ऐड कर देंगे तो बच्चे टू आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ध्यान से चलना, ध्यान से समझना। ठीक है, ये 11 है, 18 है, 16, 16, 11। उसी तरीके से 1 प्लस 1 करके क्या करेंगे, 2 करेंगे। 1 प्लस 8 प्लस 1 करके क्या करेंगे बच्चे, 9 करेंगे। 6 प्लस 1 करके क्या करेंगे, 7 करेंगे। 6 प्लस 1 करके, आई एम सॉरी, 18। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 9 करेंगे। ये 7 और ये क्या करेंगे बच्चे, 2 करेंगे। ठीक है, अगर आपकी लेटर्स की कोडिंग नंबरिंग भी हुई तो आपको नंबरिंग में करनी है। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 8 9, ठीक है, 1 प्लस 8 9, ये 7 हो गई, ये 2 हो गई, ये हो गया आपका आंसर बच्चे। ठीक है, बताएं कि आपको करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चे, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैट है, कैट का कोड है बच्चे 24, तो आपको बताना है सैड का कोड क्या होगा। ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म है क्योंकि इसमें हम नंबरिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैट का कोड क्या है 24, तो सैड का कोड क्या होगा बच्चे। ठीक है, अब ये देखिए ये सब कैसे आया, ये सब तो इनके लेटर्स को ऐड करके आया। जैसे ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है, नंबर 20 है, अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 24। 20 और 21, 21 प्लस 3 कितना होगा बच्चे, 24। उसी तरीके से 19 है, ये 1 है और ये 4 है, 19 और 1 20 और 4 24 आंसर दे दो। ठीक है, आया समझ में, इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, 24। अब इस एक क्वेश्चन को कितने तरीकों से कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब मैं इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे चेंज करके दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं एक काम करने जा रही हूं, अगर आपको यहाँ पे 12 लिखा हुआ मिले फिर आप क्या करोगे, आपको पता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान से सुनना कि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जरूरी नहीं कि हम जो आंसर निकालते हैं वही होता है। ठीक है, ऑप्शन बहुत मायने रखता है, ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 कैसे है भाई, मुझे पता है कि इनको ऐड करके 24 आता है भाई, 24 डिवाइड बाय 2 कर दिया होगा। ठीक है, 24 का आधा 12 कर दिया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी 24 निकलता है तो उसका आधा 12 कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, 8 लिख सकते हैं यहाँ पे भाई, 24 का 24 लिखा है तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 है, तो 24 को 3 से डिवाइड करके 8 लिख सकते हैं, 3 8 24। उसी तरीके से यहाँ पर भी नंबर ऑफ लेटर्स 3 है तो यहाँ पर भी 8 आंसर दे देना। ठीक है, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स 4 पूछे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना, जितना टोटल करके आएगा उसको उतने नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए दिमाग का, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे 48 लिख दूँ बच्चे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा टोटल कितना आ रहा है, 24, तो 24 को 2 गुना करके 48 के नीचे भी 24, जो सीरीज ऊपर अप्लाई होगी वही सीरीज को आपने नीचे अप्लाई करना है बच्चे। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब इस तरीके से कर लो, बस इसका आंसर भी 48 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने 24 मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ पर भी 24 टोटल आ रहा था भाई। अगर मान लो यहाँ पे कोई 50 आ रहा होता तो मैं 50 मल्टीप्लाई 2 करके 100 कर देती तो मेरा 100 आंसर आ जाता। ठीक है, बाय द वे क्वेश्चन ऐसा बन गया कि सबके नंबर ऑफ लेटर्स जो थे, आई मीन टू से जो इनकी नंबरिंग थी, जो इनका टोटल था, वो सेम पड़ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है बच्चे क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्रॉस बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैं रफ कर रही हूं फिलहाल। ठीक है, कोई एक दो न्यूमेरिकल का पार्ट रह गया होगा तो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है,
क्रॉस बेस्ड, ठीक है, क्रॉस, क्रॉस के बीच में होता है, आप सबको पता है क्रॉस के बीच में भी कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसमें क्रॉस बनता है पेयर, जैसे हमने पोजीशन बेस्ड पोजीशन चेंज वाले क्वेश्चन में किया था उस तरीके से, ठीक है। चलो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने लिखा टॉर्च का कोड, टॉर्च का कोड जो है वो है IDSNS, IDSNS है, ठीक है। उसके बाद बच्चे लिखा गया है पिस्टा का कोड, पिस्टा का कोड BUTHO है। मैं आपको फिर से एक बार कह रही हूँ कि कुछ बच्चे कुछ भी कमेंट्स करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑप्शन पे डिपेंड है, ठीक है। जो आंसर आप निकाल रहे हैं अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो फिर आंसर नहीं है, वो तो आपका लॉजिक फेल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके दो आंसर भी निकल के आ जाते हैं, रेयर चांस होता है, थोड़ा 1% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पिस्ता का कोड BUTHO है, तो आपको बताना है बच्चे ब्लिंक का कोड, ब्लिंक का कोड, ठीक है, ब्लिंक का कोड बताना है। सबसे पहले लिखा है टॉर्च का कोड, भाई टॉर्च का कोड क्या है, IDSNS, ठीक है। पहले तो मैं इसके बारे में डिसाइड करती हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे आपने यहाँ पे बहुत ही टिपिकल हो रहा है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, ठीक है। इससे अच्छा है मैं इसकी नंबरिंग कर लूँ, क्योंकि जो नंबरिंग होती है ना वो बहुत आसान कर देती है क्वेश्चंस को, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ भाई नंबरिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब ये देखिए भाई 20 से 9 हो रहा है, 15 से 4 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है, 3 से 14, 18 से 19, ये कोई सीरीज है? आप खुद सोचिए क्या ये सीरीज है। 19, 20 से 9 हो रहे, -11 कर दिया, -11 कर दिया, ठीक है, ये +1 हो गया, ठीक है, ये +11 हो सकता है, ये पीछे +9 +11 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये सीरीज हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है, पर ये है कि ऑप्शन बताएगा, ऑप्शन बताएगा, ठीक है। ऑप्शन में कभी दो आंसर नहीं होते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए जो मुझे मेन इस पे लग रहा है ना क्रॉस वाली बात, वो क्रॉस वाली बात क्या लग रही है, देखिए 20 से हो रहा है 19, ठीक है, माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है, 8 से हो रहा है 9 बच्चे, प्लस का 1 हो रहा है, 15 से हो रहा है 14, माइनस का 1 हो रहा है, 3 से हो रहा है 4, प्लस 1 हो रहा है, और 18 से हो रहा है 19, प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। तो जब आप नंबरिंग करते हो ना तब आपके लिए काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। उसी तरीके से पिस्टा है, पिस्टा का कोड लीजिए, सेम आ रहा है, ठीक है, BUTHO, भाई ये 16 है, ये 9 है, 19 है, 20 है, 1 है, ये 2 है, 21 है, 20 है, 8 है और 15 है बच्चे, ठीक है। ये -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये -1, ये +1, ये +1, ठीक है। अब देखिए अब इसका आंसर कैसे करेंगे, हमें बताना है ब्लिंक का कोड बच्चे, ब्लिंक, ठीक है, ये 2 है, ये 12 है, ये 9 है, 14 है और बच्चे 11 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या हो रहा है, मुझे एक बात पता है भाई, ये जो पीछे जा रहा है ना वो माइनस होके जा रहा है, जैसे पी से ओ बन रहा था तो माइनस होके जा रहा था, ऐसे ही दो में से एक घटाएंगे तो पीछे क्या आएगा, ए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ऑप्शन बताती हूं, आपके ऑप्शन है एल ओ जे के ए, मेरे पास ऑप्शन है एल के जे ओ ए, उसके बाद है ए ओ जे के एल, और फोर्थ ऑप्शन है एल ओ के जे ए। अब देखिए बच्चे तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसके पीछे ए आ रहा है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसके पीछे एल आ रहा है, तो आप उस ऑप्शंस को तो कट कर दो क्योंकि आपको पता चल गया भाई मेरे पीछे तो ए आना है, तो तीन ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, बाकी का एक नहीं हो रहा, उसको ऐसे ही कैंसिल कर दो, ठीक है, उस ऑप्शन को देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, जो ये पीछे वाला है ये +1 करके बन रहा है, भाई इसको मैंने +1 करके क्या बनाया, 12 बनाया, तो 12 नंबर पे क्या है बच्चे, एल,
अब देख लीजिए जो मैंने ऑप्शंस बोले थे सबके सबके पहले एल आ रहा है बच्चे, ठीक है इतना काफी है ओके। उसके बाद मैंने बताया कि 15 से क्या बन रहा है, 14 बन रहा है, तो एल से क्या बनेगा, 11 बनेगा। 12 से क्या बनेगा बच्चे, 11। अब जो ऑप्शंस मैंने बताए उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। तीसरे नंबर पे किस पे के आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा होगा। मान लो तीन ऑप्शन है उसमें से दो में तो आ ही नहीं रहा, एक में आ रहा, तो बस आंसर दे दो, सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीन से क्या बन रहा है बच्चे, 4। तो 14 से क्या बनेगा, 15 ओ, ठीक है। बीच वाला क्या बन रहा है, 19 से 20, तो आई से क्या बनेगा बच्चे, जे, लोज का, एल ओ जे के, इसका हो गया कोट आंसर, ठीक है। तो क्रॉस वाली कोडिंग डिकोडिंग कैसी लगी, आई होप आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चे, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपडेट, अपडेट का कोड दिया बच्चे एफ आर डब्ल्यू सी आर वाई, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके सामने दिया है ग्रेट्स का कोड, ग्रेट्स जी आर ए टी एस ग्रेट्स, इसका कोड है बच्चे जी टी आई क्यू आर वाई, जी टी आई क्यू आर वाई। उसके बाद आपको बताना है बच्चे ब्लेंडी का कोड, ब्लेंडी, ठीक है बच्चे, ब्लेंडी का कोड। अब सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना, ना ही हमें टेंशन लेनी, ना ही हमें परेशान होना है। सबसे पहले हमें जितने भी लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग करनी है जस्ट, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, नंबर 21, नंबर 16, 4, 1, 20, 5, 6, 18, 23, 3, 18 एंड 25, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए देखिए बच्चे यहां पे क्या हो रहा है, 21 है उससे 6 बना रहे हैं हम। अगर मैं सीधे की बात करूं, मैं क्रॉस की बात नहीं कर रही, ठीक है। 21 से 6 बनाऊं तो देखिए माइनस का 15 हो रहा है, 16 से 18 बन रहा है प्लस का 2 हो रहा है, 4 से 23 बन रहा है ये भी कोई सीरीज नहीं है, ठीक है। 1 से 3 बन रहे भी सीरीज नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेट तो है ही नहीं। अगर ये स्ट्रेट नहीं है तो हो तो दूसरा लॉजिक क्या बचेगा, क्रॉस वाला। मुझे अपोजिट लेटर भी कहीं से नहीं दिख रहे ये, ठीक है, ओपोजिट लेटर्स भी कहीं से नहीं दिख रहे, ठीक है भाई। पी का कोड ये डी का वो जो आना चाहिए था ओपोजिट लेटर एज ए, तो वो कोई कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे ई है तो इसके बीच में कहीं तो मुझे वी दिखता, ठीक है, क्योंकि ई का ओपोजिट लेटर क्या बच्चे, वी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ना ये सीरीज बन रही है सीधी वाली, ना ही ये बन रहा है ओपोजिट लेटर, ना ही पोजिशन चेंज है, ठीक है। तो ये क्रॉस वाला हो सकता है। क्रॉस कैसे है देखिए, 21 है उससे 25 बन रहा है मैं प्लस 4 कर लूँ, 5 से 6 करना है प्लस 1 कर लूँ, 16 से 18 में प्लस 2 कर लूँ, 20 से 18 में माइनस 2, 4 से ये भी, ठीक है, कुछ ऐसा भी बन सकता है। दूसरा तरीका, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, आई होप ऐसे नहीं बन रहा, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं बन रहा, लास्ट से भी नहीं बन रहा, हो सकता है कि उनके बीच में कोई पेयरिंग में क्रॉस बन रहा हो, समझ आया। एक मैंने पहले क्वेश्चन कराया उसके बीच में था सा, क्या था वो, क्रॉस बन रहा था। एक क्रॉस वो होता है बच्चे, एक क्रॉस होता है पेयर के बीच में क्रॉस बनना, लाइक जैसे मुझे यहाँ पे नजर में आ रहा है कि यू 21 से बन रहा है 23, यू डब्ल्यू को छोड़ दीजिए, 21 से 23 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, प्लस 2 हो रहा है। 4 से 6 बन रहा है कितना बन रहा है बच्चे, प्लस 2 बन रहा है। 6 से 16 से 18 बन रहा है कितना बन रहा है बच्चे, प्लस 2 बन रहा है। तो आपका जो पेयर के बीच पे भी क्रॉस बन सकता है। अब ये सब आपको आएगा कैसे,
ये सब आपको आएगा प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ सकते, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बस आपको करना क्या है, रीजनिंग की कोई भी मोटी मोटी बुक्स नहीं खरीदनी, आपको मेरे जस्ट क्लास के नोट्स करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी एक अच्छी सी पतली सी बुक ले लो ना, ठीक है। आप बस 50 क्वेश्चन कर लो, बस काफ़ी है, और उसमें सारे टाइप्स आ जाए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये कहोगे कि मैडम 50 क्वेश्चन में सारे टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर बेसिक पता चल गया है, ठीक है, हर एक कोई भी एक टाइप का दो दो क्वेश्चन और उठा लो, बस काफ़ी है। दो क्वेश्चन मेरे यहाँ से कर लो, दो क्वेश्चन अपने बुक में से कर लो, या तीन क्वेश्चन कर लो, काफ़ी हैं एक एक टाइप के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, ठीक है। अब ये हो गया पेयर में क्रॉस। अब उसके बाद बच्चे ये देखिए, 5 से 3 बन रहा है कितना हो रहा है माइनस में 2, 20 से 18 बन रहा है कितना हो रहा है माइनस में 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम यहां पे तो गड़बड़ हो गई, ठीक है भाई, यहां पे तो गड़बड़ हो गई, यहां कोई गड़बड़ नहीं हुई है। आप सबको पता होगा कि हमारे नंबर ऑफ लेटर्स कितने बच्चे, 26। ए नंबर 1 होता है, जेड नंबर क्या होते हैं बच्चे, 26, ठीक है। अगर मुझे आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटर नंबर 27 कौन सा, तो आप कौन सा बताओगे, नंबर ए, क्योंकि जब Z पे खत्म होती है हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज तो दोबारा से स्टार्ट A से होती है। अगर Z 26 है तो A क्या होगा, नंबर 27, B नंबर क्या होगा, 28, ठीक है। तो A नंबर 27 है, क्या मैं कह सकती हूँ ये 27 है, तो 27 में से 25 घटा के माइनस 2 कर रहे हैं। बच्चे आपसे लेटर नंबर 90 पूछा जाए, 100 पूछा जाए ना, वो भी बता दोगे अगर आपको ये चीज पता है कि दोबारा से ABCD हमारी स्टार्ट होती है। Z हमारा 26 है, ZD हमारा 52 है, अगर आपको दोबारा से काउंट करोगे अल्फाबेटिकल सीरीज को, ठीक है बच्चे। अब देखिए उसी तरीके से ये है बच्चे, ये 7 है, ये 18 है, ये 5 है, 1 है, 20 है, 19 है, ये 7, 29, 17, 18, 25, देख लीजिए यहाँ प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस 2, नंबर 27, यहाँ पर भी क्या हो रहा है माइनस 2, यहाँ पर भी क्या हो रहा है बच्चे माइनस 2। तो सेम वाला प्रोसीजर आपको यहाँ पे यूज करना है, 2, 12, 5, 14, 4 और 25, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पे प्लस तो प्लस 2 कर रहे थे, 2 और 2 4 कर देंगे, 5 और 2 7 कर देंगे, और 12 और 2 14 कर देंगे, ठीक है। जब ये करोगे तो 7 नंबर पे क्या है बच्चे, जी, इस पे क्या है एन, इस पे क्या है डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे माइनस 2 करना है, 14 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 12, 25 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 23, 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 2। तो यहाँ पे लिख लो W, यहाँ पे लिख लो B और यहाँ पे लिख लो N, ठीक है। G N D W B L इज योर आंसर, ठीक है। तो क्रॉस जो है आपको चेक करना है, भाई पहले सीरीज चेक कर लो, अपोजिट लेटर चेक कर लो, पोजीशन चेंज चेक कर लो, आपको सब पता चल जाएगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा टाइप यूज हो रहा है, क्योंकि आपके पेपर में क्या है, सारे मिक्स टाइप आएंगे अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग, ठीक है। आपको वहां पर पहचान करनी कि मेरा क्वेश्चन कौन से बेस से है, ठीक है, सीरीज है, पोजीशन चेंज है, अपोजिट लेटर कौन सा है। तो जब आपने ये सारे टाइप्स किए होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये क्रॉस बेस्ड वाले क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है बच्चे हमारा मिक्स्ड कोडिंग का टाइप, मिक्स्ड कोडिंग बेस्ड, ठीक है। मिक्स कोडिंग में आपने कुछ क्वेश्चन सुने होंगे बच्चे, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, रेड मींस येलो, ठीक है, येलो मींस ग्रीन, तो मींस और इज गोल्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, वो आपको पता होगा, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए इनका क्वेश्चंस का कोई लॉजिक नहीं निकलता, बट ये है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये अगर आपको नंबर फ्री के देके जा रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है लेने में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए
क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, लिखा होगा रेड मीन्स येलो, क्वेश्चन रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ठीक है, ब्लू मीन्स है आपका ऑरेंज, और ऑरेंज का मीन्स है बच्चे ग्रीन, ठीक है बच्चे, और ग्रीन का मीन्स है बच्चे रेड, ठीक है। और आपको बताना है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ठीक है बच्चे, आपको ये क्वेश्चन बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा है रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मीन्स, मीन्स का मतलब क्या है, अगर आपने इसका हिंदी में पूछा है तो हिंदी में इसका मीन्स लिखा होगा बच्चे का अर्थ, कि रेड का अर्थ लाल, का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है ऑरेंज, और ऑरेंज संतरी का अर्थ क्या है बच्चे ग्रीन, और ग्रीन का अर्थ क्या है हरे का अर्थ लाल, ठीक है। हिंदी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे का अर्थ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आता है, रेड इज कॉल्ड येलो, ठीक है, इज कॉल्ड, अगर आपका क्वेश्चन इज कॉल्ड में दिया तो हिंदी में आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा कहा जाए, समझे बच्चे, हिंदी में क्या लिखा हुआ मिलेगा कहा जाए। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट सेम है, मैं लिख रही हूं सारी की सारी बच्चे स्टेटमेंट सेम है, बस यहां पे ये है कि आपके सामने एक मीन्स वाला क्वेश्चन दिया और एक इज कॉल्ड वाला क्वेश्चन दिया बच्चे, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, रक्त का रंग क्या है, भाई जो हमारा खून है, जो हमारा रक्त होता है उसका रंग क्या होता है बच्चे, क्या होता है लाल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी उस क्वेश्चन का असली आंसर होगा उसको उसको सर्च करना है। मुझे एक बात पता है भाई, इसका ब्लड का रियल में कलर क्या होता है बच्चे रेड, ठीक है, तो पहले तो मैं लिख लेती हूँ रेड। जब भी आपसे क्वेश्चन मीन्स पे पूछा जाएगा, मतलब का अर्थ में, तो जो भी आपका ओरिजिनल आंसर होगा उससे पहले वाला आंसर होगा। आपको पता है ना कि रेड से पहले क्या पूछा जा रहा है बच्चे ग्रीन, तो मेरा आंसर क्या आएगा ग्रीन। अगर मैं आप मीन्स के क्वेश्चन में, मीन्स के क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रीन, क्योंकि जब भी आपसे मीन्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओरिजिनल से पहले वाला आंसर होता है। जब भी आपसे इज कॉल्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है, जो भी ओरिजिनल आंसर होता है उसके बाद वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर बच्चे क्या आएगा रेड, रेड के बाद वाला। ओरिजिनल आंसर कौन सा है बच्चे रेड ना, तो रेड के बाद वाला इसका आंसर आएगा। इस गोल्ड वाले में आएगा आपका आंसर येलो, ठीक है, लिख देती हूँ नीचे। इस गोल्ड वाले में बच्चे आपका आंसर आएगा येलो, और मीन्स वाले में इसका आंसर क्या आएगा बच्चे ग्रीन, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा हिंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मीन्स में लेना है आपको बिफोर, मतलब पहले वाला, और इज कोल्ड में लेने आपको आफ्टर। इसका मीन्स ये है कि जो भी ओरिजिनल आंसर होगा उसके बिफोर मीन्स में, और इज कोल्ड में ओरिजिनल वाले के आफ्टर आंसर, ठीक है बच्चे। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट भी एक सेम क्वेश्चन में ऐसा आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हम रहने नहीं देंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं लिखने जा रही हूं। शर्ट का मीन्स है शूज से, ठीक है बच्चे, शर्ट का मीन्स है शूज से, शूज का मीन्स है वॉलेट से, शूज का मीन्स है वॉलेट से, और जो आपका वॉलेट है, वॉलेट, वॉलेट का मीन्स है बच्चे स्पेक्टेकल से, स्पेक्टेकल्स, ओके, और स्पेक्टेकल्स का मीन्स है बच्चे फैन से, स्पेक्टेकल्स में लिख देती हूँ, स्पेक्टेकल्स का मीन्स है बच्चे फैन से, फैन का मीन्स है बच्चे कैबिन से, फैन का मीन्स है
कैबिन से, कैबिन का मीन्स है बच्चे कार्ड से, कार्ड, ठीक है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी यूज व्हेन वी वांट सम एयर, मतलब जब हमें हवा की जरूरत होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो आप नीचे क्वेश्चन लिख सकते हैं, इनको क्वेश्चन भी लिख के दे देती हूँ। क्वेश्चन में लिख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वी यूज व्हेन वी वांट सम एयर, जब हमें हवा की जरूरत होती है तो हमें क्या चाहिए होता है बच्चे, सबसे पहले ओरिजिनल आंसर ढूंढो। जब हमें हवा की जरूरत होती है सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें फैन चाहिए होता है ना बच्चे, तो फैन, ठीक है। अब फैन ढूंढिए भाई, फैन कहाँ पे है, फैन हमें मिल गया, दो जगह फैन दिया है। अब हमारा क्वेश्चन किस में बच्चे, मीन्स में है, तो जो हमारा ओरिजिनल आंसर होगा उससे पहले वाला आंसर लेंगे स्पेक्टिकल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे, चश्मे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, स्पेक्टिकल्स, ओके। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस कॉल्ड में पूछा जाए कि शर्ट इज कॉल्ड शूज, शूज इज कॉल्ड वॉलेट, तो क्या होगा, जो भी ओरिजिनल आंसर होगा उसके बाद वाला आंसर होगा। अगर इस कॉल्ड में पूछा जाएगा तो पहले ये बताइए कि हवा किससे मिलती है, फैन से, तो फैन से बाद वाला आंसर बच्चे क्या होगा, कैबिन। अगर इस कॉल्ड वाला क्वेश्चन होता तो इसका आंसर कैबिन होता, ठीक है। और अगर इसमें मीन्स वाला क्वेश्चन पूछा है तो फैन से पहले वाला स्पेक्टिकल्स इसका आंसर होगा बच्चे, ठीक है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखिए बच्चे, अब जो मैं करने जा रही हूँ मिक्स्ड कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के बहुत ही हाईएस्ट चांस है, वैसे ऐसा नहीं है कि जो हमने किया है उससे आने के भी बहुत ही हाईएस्ट चांस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन और ये वाला टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा ट्री इज वेरी ब्यूटिफुल मींस, ठीक है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल भी इस लाइन का मीन्स ना निकालिए कि पेड़ बहुत सुंदर है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका मीन्स नहीं देखना, हमने जस्ट क्वेश्चन को देखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, जिसका कोड है KANAPA और DA, ठीक है। कुछ बच्चे इसको का ना पा डा ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल का कोड ये है बच्चे। उसके बाद लिखा है मेरे सामने दिस इज स्ट्रॉन्ग ब्रांच, दिस इज स्ट्रॉन्ग ब्रांच। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांच का मीन्स बच्चे पूछा है इन्होंने, ये है इसका कोड दिया बच्चे PA XA, ठीक है। PA दिया है, XA दिया है, SA दिया है और NA दिया है बच्चे, ठीक है। दिस इज वेरी, ठीक है, हाँ एक मिनट, इसको मैं कोई और दे देती हूँ, ठीक है, TA दे देती हूँ क्योंकि PA मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, KXS और TA, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। अब देखिए दिस ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज स्ट्रॉन्ग ब्रांच, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो दो लाइंस लिखी हैं इसके बीच में आपको कौन से स्पेलिंग्स कॉमन लग रही हैं। ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस यहाँ पे कहीं आया है? नहीं, इज तो दोनों में आया है, वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग ब्रांच, इसका मतलब जो इज है वो दोनों में कॉमन है। अगर इज दोनों में कॉमन है तो उसका कोड भी तो बच्चे कॉमन ही होगा ना, ठीक है, तो उसका कोड भी कॉमन होगा KANAPA DA, तो PAXA SA TA। अब देखिए कोड कौन सा कॉमन है, PA, बाकी देखिए KA है, NASA DA TA, ठीक है। तो जो स्पेलिंग कॉमन होगी उसी का ही तो कोड कॉमन होगा बच्चे, ठीक है। तो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरीके से आते कि बताइए इज का कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चे, PA,
ठीक है, कोड क्या है बच्चे, पी ए, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई बताइए भाई वेरी का कोड क्या होगा, वेरी का कोड, अगर मुझसे वेरी का कोड पूछा जाएगा तो वेरी का कोड क्या हो सकता है, के ए भी हो सकता है, एन ए भी हो सकता है और डी ए भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया होगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा के ए एन ए या एन ए डी ए या के ए एन ए डी ए, ठीक है, या नन ऑफ दीज कुछ भी दे दिया जाएगा, तो आपका आंसर नन ऑफ दीज नहीं होगा, आप लगा सकते हैं के ए एन ए और डी ए, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर के ए भी हो सकता है, ठीक है, एन ए भी हो सकता है और डी ए भी हो सकता है। वैसे मैं इसके बीच में आइदर का यूज नहीं कर रही क्योंकि आइदर दो के लिए यूज होता है, यहाँ पे तीन लिखा है, ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे के ए एन ए और डी ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर ये मत लगाइएगा कि डाटा इनएडिक्वेट, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, यहाँ पे वैसे आप लगा सकते हो के ए एन ए डी ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी ऑप्शन ऑप्शन वेरी करेगा ऑप्शन में क्या दिया, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ फास्ट ट्रेन, अ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन का मतलब है बच्चे 158। अब जरूरी नहीं है कि इसका कोई कोड वर्ड दिया हो, एन ए पी ए डी ए, इसको नंबरिंग में भी लिख देते हैं बच्चे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है लोकल ट्रेन फास्ट, लोकल ट्रेन्स फास्ट, उसका मीन्स क्या है बच्चे, 154। अब ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेन, व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेन, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट, मुझे बताएं यहाँ पे आप क्या आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे, मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो दो चीजें कॉमन है, मेरे पास फास्ट भी दिया है और ट्रेन भी दिया है, यहां पर भी फास्ट दिया है, यहां पर भी ट्रेन दिया है, भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आंसर क्या होगा फिर, ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फास्ट भी दिया है और दोनों के बीच में ट्रेन भी दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे कौन से दो नंबर है जो दोनों में कॉमन है, भाई 1 और 5 है, तो इसमें से किसी का कोड तो 1 होगा किसी का 5 होगा, मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे आंसर दूंगी ईदर 1 और 5 और यहाँ पर आंसर दूंगी ईदर 1 और 5, क्योंकि इन दोनों का कुछ भी आंसर हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी ध्यान रखना। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब इसी क्वेश्चन के बीच में स्टेटमेंट को चेंज करने जा रही हूँ, आपको आंसर पता चल गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में एक और लाइन जोड़ देती हूं और मैं लिख लेती हूं ट्रेन टू मुंबई, ट्रेन टू मुंबई, और इसका मीन्स है बच्चे जो दिया है वो दिया है 931। अब मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन का कोड क्या है और फास्ट का कोड क्या है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से बता दोगे कि इसका कोड क्या है, ठीक है। ट्रेन का कोड अगर आपसे पूछा जा रहा है, अब मुझे एक बात बताएं कि फास्ट तो इन दोनों में कॉमन है लेकिन ट्रेन तो तीनों में कॉमन है ना, अगर ट्रेन तीनों में कॉमन है तो उसका कोई भी ऐसा कोड वर्ड आई मीन नंबर ऐसा होगा जो तीनों में कॉमन होगा, तो मुझे एक जो है ना एक वो सभी के बीच में कॉमन दिख रहा है, 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी है, ठीक है। अब मुझे फिक्स हो गया भाई ट्रेन का कोड होगा 1 और फास्ट का कोड फिर क्या होगा 5, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। जब ट्रेन का कोड मैंने फिक्स कर दिया तो मेरे पास फास्ट बचा, फास्ट का कोड फिक्स हो गया, ठीक है बच्चे। तो कितना आसान है इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो आप यहां से फ्री का नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेन का कोड मिल गया मुझे, फास्ट का कोड मिल गया, उसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकती हूं। भाई ए का कोड पूछा जाए तो क्या बताओगे, 8 बताओगे, 1 और 5 तो फिक्स हो चुके हैं। उसी तरीके से लोकल का पूछेंगे तो आप 4 बताओगे। अगर आपसे 2 का कोड पूछा जाए, 2 का कोड, तो ईदर 3 और 9, क्योंकि मेरे पास 2 और कहीं नहीं है। मुंबई का कोड पूछा जाए, ईदर 3 और 9, ठीक है। अगर आपसे कोड पूछ दिया जाए रेलवे ट्रेन, अगर आपसे इसका कोड पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, भाई मुझे ट्रेन का कोड तो पता है भाई 1 आएगा,
ठीक है। अब आपके सामने बड़े सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, 151 दे देंगे, ठीक है, 14 दे देंगे, 13 दे देंगे, एक दे देंगे, 1 और 0, आपका आंसर क्या होगा खुद सोचिए। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, रेलवे ट्रेन, देखिए मेरे इस सेंटेंस में कहीं पर भी रेलवे वर्ड का यूज नहीं हुआ, ठीक है, रेलवे वर्ड का कहीं पर भी यूज नहीं हुआ। अगर मुझे इसके बीच में से आंसर देना तो मैं क्या दूंगी, हाँ, जो ट्रेन है उसका कोड तो 1 है सभी के बीच में, अब मुझे फिक्स करना है रेलवे का। भाई देखिए 5 नंबर जो है वो मुझे फास्ट का कोड मिल चुका है तो मैं रेलवे का नहीं लगा सकती, उसी तरीके से जो 4 है वो मुझे लोकल का कोड मिल चुका है मैं नहीं लगा सकती, जो 3 है वो 2 या मुंबई में से किसी का तो होगा ना, किसी का तो होगा लेकिन वो रेलवे का नहीं हो सकता, तो मैं इसको, हाँ ये एक ऐसा यूनिक नंबर है 0 यहाँ पे जो इन सब के बीच में कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। मैं 2 भी लिख सकती थी, 12 लिख सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो किसी में भी यूज नहीं हुआ। अगर मुझे रेलवे ट्रेन का आंसर देना पड़े तो मैं इसका आंसर 10 दूंगी क्योंकि 0 का यूज इसमें किसी भी स्पेलिंग के लिए नहीं हुआ बच्चे, ठीक है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग की स्पेशल क्लास, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, सॉरी इसी टाइप में और क्वेश्चंस, ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिक्स कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके साथ आप ऊपर लिख सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए थे, ठीक है, कोड वाले क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही है सेम, पर ये है, ये हमारा लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पे लिखा है बिगनिंग ऑफर प्राइस लोएस्ट, इसके कुछ दिए हैं $6 T, 5 NE, 5 R, 9% G, ठीक है, इनके टाइप्स दिए हैं। पर बच्चे यहाँ पे ये देखिए, जो क्वेश्चन हमने पहले किया था उसमें हमने ये किया था कि जो स्पेलिंग्स कॉमन है उसी के कोड भी कॉमन होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। देखिए लोया परमानेंट ऑफिस बैंगलोर, वंस लिफ्ट बिगेस्ट पैरामाउंट प्रिंसिपल बियॉन्ड ओपन लुक, तो इसमें मैं कुछ भी जो है ना कॉमन नहीं दिख रहा। अगर इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऑफकोर्स उनके कोड भी कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। तो आखिर ये क्वेश्चन होगा कैसे? अब इस क्वेश्चन को क्यों सोचने के लिए बड़े सारे लॉजिक्स चाहिए, बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आइए सबसे पहला लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे 6 कैसे आया 5 में, आगे धीरे धीरे चलती जाऊंगी, लेटर्स वगैरह ये सब कैसे आए, पहले मैं नंबर्स की बात करती हूँ। देखिए यहाँ पे 6 कैसे आया, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना तो परेशान नहीं होना ना ही घबराना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है बच्चे कि $6 T लिखा है। अब ये देखिए 6 इस क्वेश्चन में कहाँ मिल रहा है मुझे, देखिए 6 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है, हो सकता है, मैं जरूरी, मैं ये नहीं कह रही कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, मैं ये कह रही हूँ बच्चे कि हो सकता है आपका ये जो 6 नंबर ऑफ लेटर्स है ये 6 वहां से आया हो, ठीक है। चलो मैं आगे और देख लेती हूँ और क्या है, यहाँ पे 5 डबल 5 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 मिल रहे हैं, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ लेटर्स है उतने नंबर यहाँ पे मुझे दिए हैं। उसके बाद वहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स 9 है, इसका मतलब मुझे फिक्स हो गया कि बिगनिंग का कोड 9 है, लोएस्ट का कोड 6 है, लेकिन 5 किसका कोड है भाई, दोनों जो है स्पेलिंग्स दोनों के 5 5 है, तो 5 किसका कोड होगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब ये 5 का कोड देखना है, इसके लिए मुझे पता करना चाहिए, पता कैसे चलेगा, वो इनके लेटर्स से पता चलेगा, लेटर से। कई बार बच्चे इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि बीच के लेटर्स ले लिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट के लेटर्स ले लिए जाते हैं, मुझे इस क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि लास्ट के लेटर्स लिए गए बच्चे। देखिए जैसे बिगनिंग है, अगर ये 9 है तो इसका जी जो है ना पीछे वाला वो इसके वहां पे लिया गया है, उसी तरीके से लोएस्ट का टी लिया गया है,
ठीक है, और ये जब ये डबल फाइव है इनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। जिसके पीछे ई है वो प्राइस वाला ई है और जिसके पीछे आर है वो ऑफर वाला आर है बच्चे, ठीक है। तो कितना इजी कर दिया हमने आपने को आपके क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ लिया जाएगा। भाई इन्होंने क्वेश्चंस में मेरे सामने पूछा है, भाई बताएं कि बिगेस्ट का कोड क्या है, बिगेस्ट का कोड क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। किसी बच्चे को ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ वैसे, ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो बच्चे आपसे पूछा गया कि बिगेस्ट का कोड क्या है। बच्चे बिगेस्ट का कोड कैसे बताओगे, आप सबको पैटर्न पता चल चुका है कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब पहले तो 7 आएगा, ऑप्शंस आपके पास दिए होंगे, डोंट वरी, ठीक है 7। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, पीछे वो आएगा जो सबसे लास्ट वाला लेटर होगा, मुझे पता चल रहा है। अब बच्चे ये बताएं कि इसके बीच में सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सिंबल कौन सा आएगा। अब सिंबल कैसे आएगा ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए भाई, ये सिंबल कैसे फिक्स होगा, जो भी बी वाला है उसके साथ कौन सा सिंबल दिया है, भाई जी, ये 9 किस में है, इसके बीच में है, इसके पीछे जी आ रहा है, मतलब ये बिगनिंग है, तो जो भी बी से शुरू हो रहे हैं उनका सिंबल क्या है बच्चे, परसेंटेज, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7% टी। अगर आपको पता करना है अच्छे से तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चे, देखिए बेंगलोर में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बेंगलोर का होगा, पीछे का ई आ गया, तो मतलब जितने भी बी से शुरू हो रहे हैं उन सबका सिंबल क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज ऊपर भी है उसका भी वही सिंबल बन रहा था, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया बिगेस्ट, ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई एक और क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है, परम्यूटेशन का कोड आपको बताना है, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई 11 लिख लो, पीछे वाला जो है n लिख लो। अब p से मुझे कौन सा फिक्स होगा कि p से क्या है, देखिए परमानेंट में आपको पता चल रहा है कि ये जो नंबर ऑफ लेटर्स 9 दिख रहे हैं, तो कौन से वाला 9 है, जिसके पीछे t है, तो t ये पैरामाउंट, ये परमानेंट का है क्योंकि इसके पीछे t नजर आ रहा है और उसके साथ क्या लगा बच्चे एंड, तो 11 एंड n जो है वो क्या होगा बच्चे, मेरा आंसर होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही करने हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, पहले तो ये देखिए कि उस क्वेश्चन में हमारे ये जो कोड वर्ड है वो कैसे बन रहे हैं, या तो वो इस तरीके से बन रहे हैं, नंबर ऑफ, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है आप नंबर ऑफ लेटर्स को चेक कीजिए, जितने नंबर ऑफ लेटर्स है हो सकता है वहां पर भी उतने नंबर लिखे हों, ठीक है। जैसे लोएस्ट में 6 है तो मुझे 6 वाला मिल गया और बाकी 5 5 मेले मिल गए, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स की बात हो रही है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स है। कई बार ऐसा होता है बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि ये जो नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं इनकी जो प्लेसेस होते हैं, जैसे ये 12 ये 15 ये 23, इनको ऐड करके वहां पे नंबर लिखा होता है, मान लो या 12 15 23 करते करते कोई 100 तक नंबर बन गया, आपके पास लिख दिया $100 T, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि डॉलर की जो टी है ये तो चलो पीछे वाला आ गया, जो डॉलर जो है ये मुझे नहीं पता 100 कैसे आया, भाई मेरा तो यहाँ 6 आना चाहिए था लेकिन 100 कैसे, भाई 100 ऐसे आया कि जितने भी लेटर्स हैं इनकी नंबरिंग को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बीच में ज्यादा करने से कुछ नहीं होगा, बस ये है कि आपको लॉजिक पता करते जाना है बस, ठीक है। लिमिटेड क्वेश्चंस करिए, इट्स ओके, बट ध्यान से करिए जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं आपको यहाँ पे 6 की जगह 100 लिख के दे दूँ तब भी आप समझ जाओगे, उसी तरीके से इसके नंबर ऑफ लेटर्स को टोटल करके काफी हाईएस्ट नंबर लिख दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके नंबर ज्यादा है उसी का ही टोटल ज्यादा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टाइप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस कुछ भी नहीं है इसके बीच में कोई भी, अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कर ही लोगे, क्वेश्चंस में बस स्पेलिंग से पूछनी है आपसे और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे।
चलिए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आप लिखिए सिंबल्स बेस्ड कोडिंग, ठीक है। सिंबल बेस्ड, सिंबल बेस्ड कैसे है बच्चे? देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है बास्केट, बास्केट का कोड दिया है बच्चे 5%, 3%, 4% और 2%, ठीक है। आपके पास दिया है आम का कोड आम परसेंटेज एट द रेट 9%। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चे टर्म का कोड क्या होगा, टर्म का कोड। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है इसके बीच में। देखिए बास्केट दिया है आम दिया है, अब ध्यान से देखिए जो लेटर्स यहाँ पे कोई भी नंबर सीरीज इजोटी का यूज नहीं हो रहा, जिस भी लेटर का जो सिंबल यहाँ पे है वही यहाँ पे यूज होगा। जैसे यहाँ पे टर्म दिया है, मेरे पास बास्केट में टी का कोडवर्ड क्या है बच्चे 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, मतलब B का कोड 5 है, A का कोड परसेंटेज है, S का कोड 3 है, K का कोड हैश है, E का 4 और T का 2 है। उसके बाद मुझे बताने बच्चे E का कोड पे, E का कोड मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो मैं 4 लिख लूंगी। R का कोड बच्चे क्या मिल रहा है, बास्केट में तो है नहीं, आर में मुझे R का कोड मिल रहा है एट द रेट, तो मैंने एट द रेट लिख लिया। उसके बाद मुझसे कोड पूछा है M का, तो M का कोड मुझे क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, तो मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना इस टाइप के क्वेश्चन करने से, ओके कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कुछ ऐसा ही है भाई। लव है, लव का कोड दिया हैश एट द रेट परसेंटेज डॉलर, ठीक है। डव का कोड दिया बच्चे 3 एट द रेट हैश और डॉलर। आपको कोड बताना है वोल्ड का, वोल्ड का कोड बताना है बच्चे। अब ये देखिए ध्यान से, मुझे इन दोनों के बीच में वी का कोड क्या नजर आ रहा है परसेंटेज, क्योंकि जो उसका लेटर है उसके नीचे उसका सिंबल दिया है। वी का कोड क्या होगा बच्चे परसेंटेज। ओ का कोड बताना है, ओ का कोड देखिए दोनों के बीच में सेम ही है एट द रेट है। उसके बाद एल का कोड बताना है, एल का कोड क्या है बच्चे हैश है, तो मैंने यहाँ पे हैश लिख दिया। उसके बाद बच्चे डी का कोड पूछा, डी का कोड क्या है बच्चे 3 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया परसेंटेज एट द रेट हैश और 3। ये वाली कोडिंग डिकोडिंग भी आपकी हो गई जो कि सिंबल बेस्ड है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सबसे लास्ट पे जिसका नेम है कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बच्चे कंडीशन बेस्ड सारे टाइप्स आपके हो चुके हैं, लास्ट रह गया है कंडीशन बेस्ड, ठीक है कंडीशन बेस्ड। ठीक है बच्चे तो आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन बेस्ड, जो कि हमारा लास्ट टाइप है। देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सामने डिजिट्स दिए हैं 9, 2, 1, 7, 5, 3, 6, 4, 8, ठीक है। इसके नीचे लिखिए लेटर्स की, 9 का मींस बी है, 2 का मींस वी है, 1 का मींस एम है, 7 का मींस एल है, इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से दिए इसके नीचे ये जो कंडीशन बेस्ड है इसका मींस बच्चे ये कि इसके नीचे कुछ कंडीशंस दिए हैं, कंडीशंस का जो मींस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करना है। पहली कंडीशन दी फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर इवन, अगर हिंदी में लिख सकते हैं यदि पहला और आखिरी नंबर जो है वो दोनों इवन हो, मतलब सम संख्या हो, तो देन बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ फर्स्ट, तो दोनों के कोड को पहले के कोड सा बनाया जाएगा। ठीक है समझ आई कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स जो है वो दोनों इवन है, तो पहले टू बी टू कोडेड बाय द फर्स्ट कोड ऑफ फर्स्ट,
तो जो भी पहले का जो कोड होगा ना, जो फर्स्ट का कोड होगा, उसी को ही लास्ट का कोड बनाया जाएगा। पहले का तो है ही, उसी को लास्ट का बनाया जाएगा। दूसरा लिख रही, फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट्स आर ओड। अगर पहला और लास्ट वाला दोनों ओड डिजिट्स होंगे, विषम संख्या होंगे, तो दोनों का जो कोड होगा वो लास्ट डिजिट वाला लिया जाएगा। बच्चे देखिए कैसे, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा, देखिए देखिए, मैंने आपके सामने बच्चे क्वेश्चन लिखा है 8 1 2 3 5 4। आपको बताना है कि इसका कोड वर्ड क्या है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन बेस्ड क्या होते हैं। फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स आर इवन। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स हैं वो इवन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। आपने इसका आंसर देना है बच्चे। फर्स्ट और लास्ट जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब इन्होंने कहा है बोथ आर टू बी कोडेड बाय द फर्स्ट। इसका मतलब जो फर्स्ट का कोड होगा वही लास्ट का कोड होगा। भाई जो हमारा 8 है उसका कोड क्या है बच्चे? R। तो इसका मतलब जो फर्स्ट का कोड होगा वही क्या होगा? लास्ट का कोड होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों का बच्चे क्या क्या लिख लिया, RR लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 का कोड लिख लीजिए, एम है, ठीक है। 2 का कोड क्या होगा बच्चे? वी है। 3 का कोड क्या है बच्चे? पी है। 5 का कोड क्या है बच्चे? डी है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। R M V P D R, that's your answer, ठीक है। किसी को ना दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देती हूं, R M V P D R, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब ऑप्शंस के बीच में आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रही हूं, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, 5 6 2 1 8 3। अगर आपको बताना है कि इसका कोड क्या है, सबसे पहले आप कंडीशंस को पढ़िए। कंडीशंस में आपके सामने बच्चे लिखा है, ठीक है। मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी कंडीशन लगनी है, मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरा पहला और आखिरी नंबर है वो दोनों क्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या है, उस हिसाब से इन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है वो ओड नंबर हो, देन बोथ आर टू बी कोडेड फॉर द लास्ट। इसका मतलब जो लास्ट वाले का कोड होगा वही दोनों का कोड होगा। तो 3 का कोड क्या है बच्चे? 3 का कोड है पी। तो इसका मतलब जो लास्ट वाले का कोड होगा वही दोनों का कोड होगा, पहले और लास्ट वाले का। तो 3 का कोड क्या है बच्चे? पी। तो 5 का कोड भी क्या होगा बच्चे? पी। उसके बाद मुझे क्या बताना है, इस सब का एज इट इज होगा। कंडीशन तो फर्स्ट और लास्ट पे लग रही है, बाकी सब क्या है, सबके कोड वर्ड क्या है, जो यहाँ ऊपर दिए स्टेटमेंट में आसान से, ठीक है। तो 6 का कोड क्या है बच्चे? ए है। 2 का कोड क्या बच्चे? वी है। 1 का कोड क्या बच्चे? एम है। 8 का कोड क्या बच्चे? आर है। तो मेरा आंसर क्या होगा? पी ए वी एम आर पी। अब ये बताएं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने लिखा 6 2 7 8 5 1। आपको बताना है कि इसका कोड वर्ड क्या है, ठीक है। इसका कोड वर्ड देखिए, मेरे पास लिखा है कि पहला और आखिरी अक्षर अगर डिजिट बोथ इवन होंगे तो आपकी ये कंडीशन लगेगी। इसमें दोनों इवन नहीं है, अगर दोनों ओड होंगे तो ये कंडीशन लगेगी, लेकिन यहाँ पे एक इवन है एक ओड है। भाई हम कहेंगे कि ये क्या एग्जाम में लगता है क्वेश्चन ही गलत आया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जो कंडीशन से मैच नहीं होता, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन गलत है, नो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जो कंडीशन से मैच नहीं है, आपको बस इतना सा काम करना है, जो भी इनके कोड वर्ड है वो आपको लिख देने हैं। 6 का कोड क्या है बच्चे? ए। 2 का कोड क्या है बच्चे? 2 का कोड वी। 7 का कोड क्या है बच्चे? एल। 8 का कोड क्या है बच्चे? आर। 5 का कोड क्या है बच्चे? डी। और 1 का कोड क्या है बच्चे? एम। आपका आंसर। अगर आपकी कोई कंडीशन बच्चे सेटिस्फाई हो ही नहीं रही तो आप लोग, तो आपको क्या करना है, आपको जो जिसके जिस डिजिट का जो लेटर है उसको वही एज इट इज लिख देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है बच्चे। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हमने सारे अपने टाइप्स क्लियर कर लिए। आपके अल्फाबेटिकल जो सीरीज थी, सबसे पहले मैंने आपको वो बता दी, ऑपोजिट लेटर आपको बता दिए, ठीक है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, पोजीशन चेंज हो गए, लेटेस्ट पैटर्न करा दिया,
ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग होगी, कंडीशन बेस्ड होगी, सिंबल बेस्ड होगी, आपकी सारी की सारी कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स थे वो मैंने सारे इस हमारे चैप्टर के बीच में कवर अप करा दिए। तो गाइज कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्पेशल क्लास, ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है बच्चे। तो प्लीज़ आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और हमारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा कोर्स है स्पेशली DSSB, SSC और KVS के बच्चों के लिए, और इस वाले सेक्शन में, रीजनिंग के सेक्शन में हम जितने भी टाइप्स होंगे हर चैप्टर के सारे कवर अप कराएंगे और हाई लेवल का आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी आपकी क्लास, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज़।